पिछले हफ्ते लॉस एंजलिस में कई मकाम पर ईद मिलाद नबी के सिलसिले में जलसे और महफिलें मनक़द की गईं, जिसमें सबसे बड़ा इज्तिमा मोमिन लाज में हुआ। ये जलसा ईद मिलाद नबी हर साल मरहूम हरी मोहम्मद भाई मनाया करते थे, लेकिन इस साल इस सिलसिले को जनाब अनीस बकई ने जारी रखते हुए नहायत ही शानदार और मेहमान नवाजी के साथ मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर वहाँ जनाब अल्लामा तुराबी, जनाब डॉक्टर हसनुद्दीन हाशमी ने नबी करीम आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरे उसूलों पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज उम्मा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर कायम रहे तो इस्लाम को कई मसाइब और परेशानियों से निजात हासिल हो सकती है। इस मौके पर वहाँ नात और हमद का भी सिलसिला जारी रहा, जिसको लोगों ने नहायत अकीदत और एहतराम से सुना और अपने प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम पेश करते रहे। तस्दीक के बाद फिर कलाम नहीं किया, कब तक? जब तक कि आदतन बच्चे नहीं बोलते, 2 साल 2.5 साल 3 साल में बच्चे आदतन बोलते हैं, तो उस वक्त तक ईसा अलैहि सलाम ने कलाम नहीं किया। इस कलाम करने के बाद ताकि उनकी वालिदा माजिदा की तस्दीक हो जाए। दूसरी बड़ी और रूह परवर दिलकश और खूबसूरत तकरीब ईद मिलादुलनबी के सिलसिले में जनाब इब्राहिम साहब ने नहायत लगन और मेहनत से एक मुकामी कम्युनिटी सेंटर में मनक़द की, जो इस साल की सबसे ऑर्गेनाइज और मालूमाती लिहाज से एक अहम जैसे ईद मिलादुलनबी कहलाएगा। इस मौके पर वहाँ पर मौसीकी के अंदाज़ में कोर्स पेश किए गए, नातें पेश की गईं और हम पेश की गई। वहाँ पर मौजूद जनाब अल्लामा तुराबी साहब ने भी जलसे से ख़िताब किया। इसके अलावा दूसरे मुकर्ररीन ने भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा उसूलों को उजागर किया। सफीरे पाकिस्तान। King Edward Medical College Alumni Association is holding its 3rd annual retreat on May 23rd, Rosemont Convention Center, Chicago. Join your friends and classmates at this memorable event. For registration, visit Chemkana or call 1-800-727-6365.
नादिन यू तो कैलिफोर्निया में लातादाद बैंक मौजूद हैं, लेकिन जहां अपने लोग और अपनी ज़बान बोलने वाले लोग हों वहां बैंकिंग का लुत्फ कुछ और ही होता है। यूनाइटेड सेंट्रल बैंक कैलिफोर्निया बल्कि अमेरिका में तेज़ी से आगे बढ़ने वाला एक बैंक है जिसमें चाइनीज़, कोरियन, पाकिस्तानी और इंडियन शामिल हैं, जो इस बैंक को नहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। यूनाइटेड सेंट्रल बैंक देखते ही देखते कैलिफोर्निया में जड़ें पकड़ गया है। 6 माह के अरसे में एले फैशन मार्ट में खुलने वाली ये दूसरी ब्रांच है और बहुत जल्द अरवाइन विल्शर ब्रेवार्ड पे ब्रांचें खोली जा रही हैं। चेयरमैन बैंक और सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट जनाब यूसुफ साहब ने एले की ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके भरपूर तावन की वजह से उनको मजीद ब्रांचें खोलने का मौका मिला। चेयरमैन यूनाइटेड सेंट्रल बैंक ने इस मौके पर रीजनल मैनेजर की तारीफ करते हुए इनकी बेकरार खिदमात को सराहा और कहा कि शफी खान एक मेहनती, दयानतदार और माहिर बैंकर हैं जिसकी वजह से बैंक तरक्की की राह पे आज गामजन हुआ है। फैशन मार्ट ब्रांच इज यूनाइटेड सेंट्रल बैंक्स सेकंड ब्रांच इन कैलिफोर्निया एंड 13th नेशन वाइड। Currently, it is the success of United Central Bank can only be directly attributed to the bank's loyal and supportive shareholders, the wisdom and foresight of the board of directors, and the hard work and dedication of 255 employees and all of our customers nationwide. Congratulating you opening as a second branch, and I hope you open soon the third branch in Irvine. The third branch is Irvine, and then we have plans for another branch on Wilshire Boulevard. That's Wilshire Boulevard. Right. Okay. So how many total branches are going to be open? We will have 4 branches in Southern California, Los Angeles, Orange County. Okay. How many branches do you have in Texas? We have a total of 9 branches in Texas. 9 branches in Texas? 9 in Texas. And how many in Dallas? 4 in Dallas. Right? 4 in Dallas. And 3 in Houston, 1 in Austin, 1 in Killeen, and then we have 1 in Rockville, Maryland, 1 in Springfield, Virginia, and soon to open 1 in Atlanta, Georgia. Safire Pakistan.